योगी से ज्यादा अखिलेश ने बदले हैं यूपी में नाम। आरटीआई से मिली जानकारी से खामोश हो गए हैं सपाई। अखिलेश ने एक घंटे में 9 जिलों का बदला था नाम। योगी सिर्फ बदनाम, नाम बदलने के खिलाड़ी हैं अखिलेश। ये रिपोर्ट देखकर आप हैरान होंगे, आपको हैरानी होगी कि क्या ये दावे सही हैं? अखिलेश यादव अक्सर योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हैं कि वो जिलों का नाम बदलते हैं। आप उनसे मिलेंगे तो आपका नाम बदल जाएगा, लेकिन आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि इस मामले में तो अखिलेश यादव योगी से 8 कदम आगे हैं। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने मायावती सरकार से बदला लेने के लिए 8 जिलों के नाम बदल डाले थे। एक झटके में, एक घंटे में, एक साथ 8 जिलों का नाम बदल दिया गया था। एक टीवी चैनल ने सरकार से आरटीआई में पूछा था, पिछले 10 सालों में किन किन जिलों का नाम बदला, किसने बदले और कब बदला। आरटीआई में मिले जवाब के मुताबिक पिछले 10 सालों में यूपी के 11 जिलों के नाम बदले गए। इनमें से 2 बदलाव योगी सरकार में हुए, वहीं 9 बदलाव अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में किए। 8 जिलों के नाम को अखिलेश यादव ने एक ही साथ बदल दिए। ऐसा जुलाई 2012 में किया गया था। मायावती ने जिन जिलों के नाम बदले थे उसे अखिलेश यादव ने फिर बदल डाले थे। नाम बदलने की सियासत पुरानी है। अब आपको दिखाते हैं अखिलेश ने किन किन जिलों के नाम बदल डाले थे और आरोप योगी पर लगाते हैं। मायावती ने शामली का नाम प्रबुद्ध नगर किया तो अखिलेश ने वापस से शामली कर दिया। भीमनगर का नाम बदलकर अखिलेश यादव ने संभल कर दिया। पंचशील नगर का नाम अखिलेश ने बदलकर हापुड़ रख दिया। महामाया नगर का नाम बदलकर अखिलेश ने हाथरस कर दिया। ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदलकर अमरोहा कर दिया। काशीराम नगर के नाम को बदलकर अखिलेश ने कासगंज कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज नाम हटाकर दोबारा से अमेठी कर दिया। रमाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात कर दिया। संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही कर डाला। इन जिलों के नाम अखिलेश ने एक झटके में बदल डाले थे, जबकि योगी सरकार में यूपी में सिर्फ 2 जिलों के नाम बदले हैं। योगी ने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया और इलाहाबाद को प्रयागराज। अक्सर अखिलेश यादव का दावा होता है कि ये सरकार नाम बदलने वाली है, लेकिन असल में नाम बदले हैं अखिलेश यादव ने। मायावती की सत्ता में भी खूब नाम बदले गए थे, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव 1 नंबर पर हैं। अगर योगी सरकार आती है तो कई जिलों के नाम बदलने की उम्मीद है, जैसे अलीगढ़ हरिगढ़ हो जाएगा, फिरोजाबाद का नाम बदल सकता है, जबकि आजमगढ़ और मिर्जापुर का नाम भी बदल सकता है। खुद मुख्यमंत्री योगी भी यूपी के शहरों कस्बों के नामों को मुस्लिम शासकों और आक्रांताओं के नामों से हटाकर हिंदू व्यक्तित्वों के नामों पर रखने की बात कई बार कर चुके हैं और इस पर अमल भी होता रहा है। योगी के सरकार में जिन 2 जिलों के अलावा स्थानों के नाम बदले गए हैं वो इस प्रकार हैं। मुगलसराय स्टेशन का नाम एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया। सीएम योगी ने पिछले साल कानपुर के पनकी स्टेशन का नाम बदलकर पनकी धाम कर दिया। यूपी सदन का नाम उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी रखा गया, जबकि यूपी भवन का नाम उत्तर प्रदेश भवन संगम किया गया। गोरखपुर के उर्दू बाजार का नाम हिंदू बाजार और मियां बाजार का नाम माया बाजार किया गया, हालांकि तब वो सांसद थे। प्रयागराज के 4 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। इलाहाबाद जंक्शन प्रयागराज जंक्शन बन गया। रामबाग प्रयागराज जंक्शन बना। इलाहाबाद छिवकी स्टेशन का नाम भी बदला। प्रयागराज घाट का नाम बदलकर प्रयागराज संगम किया गया। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में किसने किस मकसद से नाम बदले, ये आप भी बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।